हेलो। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 1 to 5 को समझा था। इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे के सेक्शन को समझेंगे, सेक्शन 6 से लेके आगे के जो उसके सेक्शंस हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सेक्शन 6 को समझेंगे और फिर उसके आगे के सेक्शन को समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, क्योंकि हम बेरेट में से जब रीड करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि हमें क्या दिया गया है। जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 हमें किस बारे में बताता है? सेक्शन 6 जो है इसके अंदर एक तरीके से जो अब जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें डेफिनेशंस के सेक्शन दिए गए हैं। इसके अंदर सब चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 6 है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, कि जो भी एक्सेप्शंस दी गई है, जो हम सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 186 के अंदर देखते हैं, तो उन एक्सेप्शंस के अंदर जो भी चीज़ें बोली गई है उन्हें हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे इस इंडियन पिनल कोड के अंदर, या जहां पे भी कोई क्राइम को डिफाइन किया गया होगा या फिर कोई भी पनिशमेंट दी गई होगी, तो हम उन एक्सेप्शंस को हर जगह पे ध्यान में रखेंगे। उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक सेक्शन के नीचे जहां पे भी कोई डेफिनेशन, मतलब कोई भी क्राइम को डिस्क्राइब किया गया है, कोई भी पनिशमेंट दी है, तो वहां पे वो एक्सप्रेशन बार बार एक्सेप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि भाई एक व्यक्ति अगर 7 साल से छोटा का एक बच्चा है, जो 7 साल से छोटा है, अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो फिर उसको हम नहीं मानते कि उसने वो क्राइम कमिट किया। जैसे अगर कोई बच्चा मर्डर करता है तो फिर उसके लिए वो क्रिमिनल नहीं होता, उसको क्रिमिनल नहीं मानते। या कोई बच्चा सेक्शन 379 के अंदर चोरी करता है तो हम नहीं मानते कि उसने थेफ्ट किया। तो वो एक्सेप्शन बार बार लिखने की जरूरत है उस सेक्शन के। अब सेक्शन 379 में हम नहीं लिखते वहां पे, या सेक्शन 300 जहाँ पे मर्डर डिफाइन किया गया या उसकी सजा दी गई है 302 में, तो वहां पे हम बार बार इस चीज को नहीं लिखते। तो यही चीज हमें इस सेक्शन के अंदर बताई है। तो इस सेक्शन को हम रीड करते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है। डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस थ्रू आउट दिस कोड, ये जो पूरा का पूरा इंडियन पिनल कोड है, इसके दौरान एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, की जहां पे भी कोई डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की। भाई हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर क्या है, कुछ सेक्शंस जो है वो डेफिनेशन देते हैं ऑफेंस की, और कुछ सेक्शन जो है वो उसकी पनिशमेंट देते हैं, या फिर वो सेम सेक्शन के अंदर उसकी डेफिनेशन और पनिशमेंट दे दी जाती है। तो हर एक डेफिनेशन जहां पे भी ऑफेंस की दी गई है, ऐसे कोई भी सेक्शन जो है, एवरी पिनल प्रोविजन, मतलब हर एक पिनल प्रोविजन जहां पे भी सजा दी गई है, दंड दिया गया है इसके अंदर, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, और जो भी इलस्ट्रेशन दी गई है इन डेफिनेशंस के अंदर, चाहे वो पिनल डेफिनेशन, मतलब पिनल सेक्शन है, या फिर वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, तो उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन दी गई है वहां पे शेल बी अंडरस्टूड, तो उनको हम किस तरीके से समझेंगे? सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए हम उनको समझेंगे पूरे के पूरे कोड को। थ्रू आउट दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, कि भाई वो डेफिनेशंस बार बार नहीं बोली जाएंगी, उन के जो एक्सेप्शंस है वो बार बार नहीं पढ़ी जाएंगी, वहां नहीं लिखी जाएंगी। पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन, जो पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन दिए गए वहां पे। अब जब हम सेक्शन 6 को पढ़ते हैं तो हमें साथ में सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे केस है, केस का नाम है धन सिंह का केस है। इसके अंदर हमें ये बताया गया था कि ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि वो अपनी एक्सेप्शन नहीं मांगता, तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि उसको वो एक्सेप्शन उसकी देना। अब कोई 7 साल से बच्चा कोर्ट के साथ, नीचे का बच्चा भी कोर्ट के सामने आता है कोई ऑफेंस करके, तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उसको बोले कि भाई तू 7 साल से छोटा है, तू एक्सेप्शन के अंदर आता है तो तेरे ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा, तेरे ऊपर ये ऑफेंस नहीं मान जाएगा कि तूने ऑफेंस कमिट किया। तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है, इस केस के अंदर बताया गया था। फिर इसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई है, उन इलस्ट्रेशंस को हम रीड करते हैं। द सेक्शंस इन दिस कोड व्हिच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ द ऑफेंसेस, कि भाई जो भी सेक्शंस जिनके अंदर ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, कि वहां पे एक्सप्रेस नहीं किया गया हर डेफिनेशन के अंदर कि जो एक चाइल्ड होगा 7 ईयर से कम का कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेस, कि वो उस ऑफेंस को कमिट नहीं कर सकता। बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड, लेकिन उस डेफिनेशन को हमें इस बात से समझना होगा कि वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आती है। टू द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच डन बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, कि कोई भी अगर एक्ट किया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो 7 साल से छोटा है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो वो हर जगह पे अपने आप अंडरस्टूड है कि वो एक्सेप्शन के अंदर चीज आ रही है। ऐसे ही ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैड कमिटेड मर्डर, कि भाई ये जो है बिना वारंट के जेड को पकड़ लेता है जो कि मर्डर का, जिसके ऊपर जिसने मर्डर किया है। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अब यहाँ पे ए जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के उसके ऊपर सजा नहीं लगेगी। फॉर ही वुड बाउंड बाय लॉ टू अप्रिहेंड जेड एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइडेड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन
बाय अ पर्सन हु इज बाउंड टू बाय लॉ टू डू इट, कि भाई ये एक्सेप्शन है कि भाई जो व्यक्ति अगर किसी लॉ के अंदर उसको बोला गया, जिस लॉ के अंदर कि वो बाउंड है उस चीज से करने के लिए, अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो अब ये वहां पे लिखा नहीं जाएगा जब उसको अरेस्ट कर रहा होगा कि ये पर्सन जो है इसकी ये ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कर रहा है इसलिए इसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तो ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये हमें सेक्शन 6 के अंदर दिया गया। फिर आते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7 जो है वो बताता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन, कि जो हमने एक चीज एक बार जब एक्सप्लेन कर दी तो उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर हमारी जो जो मैक्सिम चलती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिशियो यूनिस एस्ट एक्सक्लिशियो एल्ट्रेयस। इसका मतलब होता है द मेंशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर थिंग, कि जब एक बार हमने किसी चीज को मेंशन कर दिया तो फिर वो दूसरी चीज को एक्सक्लूड कर देता है। इसके अंदर क्या बोलता है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, कि भाई कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो कहीं पे भी इस कोड के अंदर एक्सप्लेन की गई है इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, तो फिर वो उसी एक्सप्लेनेशन की कन्फर्मिटी से यूज होगी। भाई एक बार ही डिफाइन कर दिया, एक बार ही कहीं पे बता दिया कि ये चीज ये है, तो वही पूरे एक्ट के अंदर फिर वो चीज वही होगी। जैसे कहीं पे बता दिया, जैसे जेंडर बता दिया, जैसे कहीं पे ही वर्ड यूज होगा तो दोनों के लिए डिनोट होगा, वो मेल के लिए भी होगा फीमेल के लिए भी होगा। तो वो एक बार ही बता दिया तो बार बार वहां जहां पे भी वो ही वर्ड यूज होगा तो बार बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही एक्सप्रेस कर दिया तो फिर उसको उसी सेंस के अंदर समझा जाएगा। सेक्शन 6 के अंदर हमें इतना बताया गया। सेक्शन 8 के अंदर हमें जेंडर के बारे में बताता है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, की जहां पे भी ही वर्ड यूज होगा तो दोनों के लिए यूज होगा, या फिर इसके कोई डेरिवेटिव यूज होंगे तो दोनों के लिए यूज होंगे, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। फिर सेक्शन 9 बताता है नंबर के बारे में। अनलेस द कॉन्ट्री अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, की जहां पे भी वर्ड सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा वो प्लूरल नंबर को इंक्लूड करेगा, जहां पे वर्ड प्लूरल नंबर के अंदर यूज करेगा वो सिंगुलर नंबर को इंक्लूड करेगा, एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। फिर सेक्शन 10 जो है वो मैन और वुमेन की डेफिनेशन देता है। द वर्ड मैन डिनोट्स द मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, की भाई जहां पे मैन वर्ड यूज किया वो किसी भी एज के मेल वर्ड के लिए यूज कर रहा है, मतलब मैन के लिए यूज कर रहा है, और जहां पे भी वुमेन वर्ड यूज किया गया वो किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बींग के लिए यूज हो रहा है, कोई भी एज की वो फीमेल ह्यूमन बींग हो सकती है। तो मैन एंड वुमेन की डेफिनेशन सेक्शन 10 के अंदर दी गई। फिर सेक्शन 11 बताता है कि पर्सन कौन होता है। पर्सन का मतलब होता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, की कौन कौन इंक्लूड होगा, जो कंपनी है वो इंक्लूड हो गई, एसोसिएशन इंक्लूड हो गई, बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड हो गया, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पे वर्ड इंक्लूड किया तो मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो हमें सेक्शन 11 के अंदर ये बताया गया। फिर सेक्शन यहाँ पे स्कोप इसका बताता है कि सेक्शन 11 हैज इफेक्ट ऑन द इंक्लूडिंग विद द एक्सप्रेशन एनी कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। पब्लिक का मतलब क्या होता है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, किसी भी क्लास ऑफ पब्लिक या किसी भी कम्युनिटी को हम पब्लिक बोल देते हैं। क्वीन है, क्वीन वर्ड जो है रिपील हो गया सेक्शन 13 के अंदर दिया गया। जब ये इंडियन पिनल कोड बना था उस वक्त हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर आता था, तो उस वक्त क्वीन वर्ड यूज होता था, तो अब क्वीन वर्ड का कोई यूज नहीं है इसलिए उसको रिपील कर दिया। फिर आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कहीं पे भी अगर ये वर्ड यूज होता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडियन पिनल कोड के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर, कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी सर्वेंट जो क्या है कॉन्टिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, कि भाई वो कंटिन्यू कर रहा है, भाई पहले से एम्प्लॉय था वो अभी भी एम्प्लॉय चल रहा है, या फिर उसको अपॉइंट किया गया है, या फिर उसको एम्प्लॉय एज अ रखा गया है इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर उसको रखा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद आती है सेक्शन 15 ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को रिपील कर दिया था 1937 के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया वर्ड यूज होने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद ऐसे ही सेक्शन 16 इसको भी रिपील कर दिया था। फिर आते हैं सेक्शन 17 के ऊपर जो हमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन देता है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जहां पे भी इस एक्ट के अंदर कहीं पे भी वर्ड गवर्नमेंट यूज होगा तो उसका मतलब उसके अंदर दोनों गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंक्लूड हो रही है। फिर सेक्शन 18 के अंदर हमें इंडिया की डेफिनेशन देता है कि इंडिया का मतलब क्या होता है। तो इंडिया मीन्स
टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, की इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर रीअरेंजमेंट एक्ट 2009 आया, तो 19 आया, तो फिर वो पूरे इंडिया इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 19 के अंदर हमें जज के बारे में बताया कि जज का मतलब क्या होता है, जज अगर कहीं पे वर्ड यूज होता है तो उस जज वर्ड का मतलब क्या है। द वर्ड जज डिनोट नॉट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। तो जज का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एज अ जज, बट ऑल्सो एवरी पर्सन, लेकिन उसके अलावा हर एक व्यक्ति जो कि हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, कि जो जिसको लॉ के द्वारा पावर मिल रही है क्या करने की, एम्पावर्ड बाय लॉ इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, अ डिफिनेटिव जजमेंट, कि वो उसके अंदर एक फाइनल जजमेंट दे सके, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, और या फिर ऐसा जजमेंट दे सके कि जिसके अगर अपील के अंदर नहीं जाया गया, कि भाई जिसके अगेंस्ट अपील में नहीं गए, तो वो जो जजमेंट हो वो क्या हो, वो डेफिनेटिव हो, मतलब वो फाइनल जजमेंट हो, और अ जजमेंट विच इज कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी, या फिर ऐसा जजमेंट जिसको किसी और अथॉरिटी के द्वारा कन्फर्म किया गया हो, इफ कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, और हु इज वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, या फिर वो ऐसा बॉडी ऑफ पर्सन हो जिसको लॉ के द्वारा पावर दी जा रही है कि वो जजमेंट दे सके। इसके अंदर इलस्ट्रेशन आती है, जैसे अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 एज अ जज, की भाई अगर जहाँ पे जो सूट जिसके अंदर एक्ट 10 ऑफ 1859 के अंदर अगर एज अ कलेक्टर जो है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन आ रही है, तो उसको अगर उसके पास वो सूट चलता है तो उसको हम जज मान लेते हैं उस कलेक्टर को। ऐसी है मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन इंप्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज, तो जो मजिस्ट्रेट है उसको भी जज मान लिया जाता है जहां पर उसको पावर मिल रही है कि वो जजमेंट दे सकता है भाई किस चीज की, फाइन की, सेंटेंस की, तो वहां पे वो जज ही माना जाता है। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन अ सूट इज अ जज, की पंचायत को भी जज मान लिया जाएगा जिसको पावर दी गई है इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेशन 7/1860 ऑफ मद्रास कोर्ट के द्वारा, तो उसको जज मान लिया जाएगा उस पंचायत को जिसके पास ये पावर है ये चीज करने की। ऐसी है मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन व्हिच शी हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज, तो वो जज नहीं कहलाएगा कौन, जो मजिस्ट्रेट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है किसी भी ऑफेंस को ट्रायल करने की, ऑफेंस को ट्रायल करने की मतलब जिसके पास ये पावर है कि वो कमिट कर दे ट्रायल के लिए किसी और कोर्ट के अंदर उस केस को, तो वो जज नहीं कहलाएगा। जैसे हम सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी के अंदर देखते हैं कि वहां पे कमिट किया जाता है कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास भेजा जाता है भाई। अब हर एक जज के पास, जैसे हमने क्लासिफिकेशन सीआरपीसी में देखा है कि कौन सा जज कौन से ऑफेंस को चला सकता है, तो फिर वो जो जज कमिट कर रहा होता है वो फिर जो मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट कमिट कर रहा होता है वो मजिस्ट्रेट जज नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 20 के अंदर हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, की भाई ये उसी को रेफर कर रहा है कि जोन सा भी जज जुडिशियली अपना उस जजमेंट दे रहा है, मतलब उस काम कर रहा है, उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल देंगे। और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, या फिर बॉडी ऑफ जजेस जो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं एज अ बॉडी, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, तो इसके अंदर वही एग्जांपल दे देता है, पंचायत एक्टिंग अंडर 5 रेगुलेशन 7/1816 ऑफ मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो पंचायत को भी हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल देंगे जो अपना रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोर्ट के अंदर ट्राई एंड डिटरमाइन कर रहे हैं किसी सूट को। तो ये हमने सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड को इस वीडियो के अंदर देखा। अब आगे आने वाली वीडियोज के अंदर हम आगे के जो सेक्शंस हैं इंडियन पिनल कोड को उनको देखेंगे और पूरे आईपीसी को खत्म कर लेंगे।